हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश लैंग्वेज विद विशाल सिंह। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, सिलेबल क्या होता है और डिफ्थोंग क्या होता है। तो मैं आपका ज़रा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेटर क्या होता है, लेटर किसे बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अक्षर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें अक्षर या वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें अक्षर या वर्ण कहलाती है। एग्जांपल इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे क्रम जितने भी होते हैं वो सभी, और हिंदी में छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, ए आई ओ आओ, ठीक है, ये बोलते हैं। तो लेटर क्या होता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें अक्षर या वर्ण कहलाती है। समझ गए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या लेटर होते हैं। इनके संपूर्ण समूह को अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। जो 26 अक्षर होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। जैसे अल्फ़ाबेट तो आप लोग जानते ही होंगे, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम। अब जान लेते हैं वर्ड क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शब्द। वर्ड या शब्द अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है, वर्ड या शब्द, जिसको वर्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। अक्षरों का वह समूह है जिसके कोई निश्चित अर्थ होता है। एग्जाम्पल जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, टेम्पल हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, लॉयन हो गया, चेयर, ये सब क्या हैं, ये सब वर्ड्स हैं और इनका कोई एक अर्थ है। जैसे काऊ माने गाय, हॉर्स मीन्स घोड़ा, टेम्पल मीन्स मंदिर, बुक मीन्स किताब या पुस्तक, टेबल माने जैसे, और लॉयन चेयर, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, वर्ड। चलो समझ गए वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे एग्जांपल काऊ, काऊ मीन्स गाय, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, बुक, बुक मीन्स पुस्तक, टेबल, टेबल मीन्स मेज, लॉयन, लॉयन मीन्स चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी आदि। और भी एग्जांपल क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। अब जान लेते हैं सिलेबल क्या होता है, सिलेबल किसको कहते हैं। एक अक्षर अथवा अनेक अक्षरों का समूह जो एक सांस में बोला जाए। क्या, एक अक्षर मतलब एक अक्षर या अथवा अनेक अक्षरों का या एक से अधिक अक्षरों का वह समूह जो एक सांस में बोला जाए, क्या कहलाता है, सिलेबल कहलाता है। इंग्लिश में व्हाट इज सिलेबल, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ अ वॉवेल साउंड इज नोन एज सिलेबल। व्हाट, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ अ वॉवेल साउंड इज नोन एज सिलेबल। एक शब्द या शब्द का भाग जिसमें स्वर ध्वनि सम्मिलित होती है, मतलब जिसमें स्वर ध्वनि होती है, सो क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे सिलेबल कैट हो गया, मैट हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया, हॉट हो गया, ये सब क्या है, सिलेबल। और जो एक से अधिक अक्षर वाले सिलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, दो, जिसमें दो सिलेबल के बाद शब्द, यूजफुल मतलब यूज प्लस फुल, इंग्लिश इंग प्लस लिस्ट, प्रॉफिट प्रॉ प्लस फिट, ठीक है। एक से अधिक वर्ड्स वाले सिलेबल हैं, तीन वर्ड वाले सिलेबल। इम्प्रेशन जैसे इम प्लस प्री प्लस सन, इम्प्रेशन। अनकॉमन, अन प्लस कॉमन प्लस मन, अनकॉमन अन प्लस कॉम प्लस मन, ये क्या हो गया, अनकॉमन। नोट में नोट कर लीजिएगा, किसी शब्द में एक, दो या दो से अधिक सिलेबल हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द में एक दो, मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक से अधिक भी सिलेबल हो सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा इसमें है वॉवेल साउंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि क्या होते हैं, जिसमें वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स। इसे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, क्या, कैट, मैट, पेन, डॉग, हॉट, जिसमें देखिए इसमें वॉवेल आया हुआ है सी ए टी, मतलब ए इसमें वॉवेल है, ए इसमें भी वॉवेल है, ई इसमें वॉवेल है, ओ इसमें वॉवेल है और ओ इसमें भी वॉवेल है, ये सब का एक एग्जांपल है स्वर वॉवेल्स के।
वॉवल साउंड्स जो होते हैं उनके एग्जांपल हैं, ठीक है। आई होप आपको वॉवल साउंड अब समझ में आ गया होगा। थैंक। नाउ मूव ऑन टूडेज लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्थोंग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। डिफ्थोंग क्या होते हैं? एक बार में उच्चारित शब्द के अंतर्गत, मतलब एक बार में उच्चारित शब्द के अंतर्गत जब दो स्वरों, मतलब दो स्वर जो ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं वॉवल्स का मेल होता है तो इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। मतलब एक बार में उच्चारित शब्द, वो शब्द जो एक बार में बोले जाएँ शब्दों के अंतर्गत, उन्हीं शब्दों के अंदर जब दो स्वरों का मेल होता है तो उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। इंग्लिश में टू वॉवल्स कमिंग टुगेदर, जब दो वॉवल्स एक साथ यूज होते हैं फॉर्म अ डिफ्थोंग। क्या बनाते हैं? डिफ्थोंग बनाते हैं। व्हेन द टू साउंड्स आर ब्लेंडेड इनटू वन, जब दो वॉवल्स के साउंड एक साथ बोले जाएँ तो वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्थोंग। जैसे एग्जाम्पल डे, इसमें एक ही वॉवल है, ठीक है, तो ये मोनोसिलेबल हो गया। मेड, इसमें देखा होगा आपने ए और ई दो वॉवल्स आए हुए हैं तो ये क्या है? डिफ्थोंग है। और इसमें भी सिंगल है ए और आई, ये क्या है? डिफ्थोंग है। फेयर क्या है? डिफ्थोंग है। चेयर, डियर, फियर, पाई एंड स्लाइड, ये सब क्या है? ये सब डिफ्थोंग है। आई होप मैंने जितने भी आज टॉपिक आपको पढ़ाए आपको क्लियर हो गए होंगे। आज मैं फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फिफ्थ लेटर क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें अक्षर या वर्ण कहलाती है। एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कल, इसके आगे भी जितने भी वो सब हिंदी में छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा सी ए आई ओ आओ, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इनको क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। अब जान लेते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं या अक्षर होते हैं। इनके संपूर्ण समूह, इनके पूरे समूह को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, ए बी सी डी एफ जी जी एच एल एम ओ पी आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई। हमारा थर्ड टॉपिक है वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। वर्ड क्या होता है या शब्द क्या होता है? वर्ड अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जांपल काउ, हॉर्स, टेंपल, बुक, टेबल, लॉयन, चेयर और भी जितने भी वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं? सब वर्ड्स होते हैं। अब जान लेते हैं सिलेबल क्या होता है। एक अक्षर अथवा अनेक अक्षरों का समूह जो एक सांस में बोला जाए सिलेबल कहलाता है। अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ ए वॉवल साउंड इज नोन एज सिलेबल। एक शब्द या शब्द का भाग जिसमें स्वर ध्वनि सम्मिलित होती है सिलेबल कहलाता है। नोट में लिख लीजिएगा, किसी शब्द में एक या एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। एग्जांपल एक सिलेबल के शब्द कैट, मैट, पेन, डॉग, हॉट। दो सिलेबल के शब्द यूजफुल, यूज प्लस फुल, इंग्लिश, टी एन जी प्लस लिश, प्रॉफिट, प्रॉप प्लस फिट। तीन सिलेबल के शब्द इम्प्रेशन, इम प्लस प्री प्लस शन, अनकॉमन, अन प्लस कॉम प्लस मन, ये सब क्या हैं? सिलेबल हैं। एक सिलेबल के शब्द को मोनो सिलेबल कहा जाता है। नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक डिफ्थोंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त स्वर। एक बार में उच्चारित शब्द के अंतर्गत जब दो स्वरों का मेल, दो स्वर मतलब टू वॉवल्स का मेल होता है तो इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। एग्जांपल डे, मेड, फेयर, चेयर, डियर, फियर, पाई एंड स्लाइड, ये सब क्या हैं? डिफ्थोंग होते हैं। आई होप आपको आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।